चुके हैं, वो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पहुंचेगी। चलिए, और दिल्ली से मणिदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणिदीप, दिल्ली में क्या बीजेपी मुख्यालय पर नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है? अलग अलग चैनल्स पर उनके प्रवक्ता भी बैठेंगे, रणनीति भी बनेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राजस्थान में क्लोज फाइट के भी आसार कुछ एग्जिट पोल जो है वो दिखा भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हर खेमा अपने विधायकों की निर्दलियों पर नजर टिकाए रहता है, अदर्स को साथ मिलाने पर, तो उसकी भी स्ट्रैटेजी पैरेलल बनती है। तो क्या कुछ हलचल वहां ग्राउंड जीरो पर? जी देखिए, बीजेपी जो है, जो बीजेपी का हमेशा प्लान बी होता है, जो कि बड़े नेताओं की झोली में होता है। अभी बीजेपी निश्चित तौर पर उस पर पर्दे के पीछे काम किया गया होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो ज़मीन पर जो बीजेपी के यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में जो नेता मौजूद हैं, अभी जो प्रवक्ता आए हैं, अभी जो मुख्य चेहरे आए हैं, वो सभी आश्वस्त हैं। वो लोग आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में हम लोग क्लियर मेजोरिटी के साथ में हम लोग सरकार बना रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त एक बड़ी अपडेट जरा बता दें, नतीजों से पहले कांग्रेस पार्टी एक्शन में नजर आ रही है। राज्यों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। राजस्थान के लिए भूपेंद्र हुड्डा, तेलंगाना के लिए डीके शिवकुमार, छत्तीसगढ़ के लिए अजय माकन, मध्य प्रदेश के लिए अधीर रंजन चौधरी और पृथ्वीराज चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। बिल्कुल, तो कांग्रेस एकदम एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। ये वो कांग्रेस नहीं है कि कांग्रेस जो है वो आराम से चिंतन मिंथन कर रही थी और बीजेपी गोवा में सरकार बना ले गई थी, जिसकी काफी आलोचना भी होती थी कि कम से कम कांग्रेस का एग्रेशन तो यहाँ दिख रहा है। देखिए, नतीजे कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस ने कम से कम यहाँ पर प्रोएक्टिव अप्रोच अपना ली है। और इसके लिए शायद वजह यह भी अनुराग के कुछ एग्जिट पोल जो है, 10 में से 6 एग्जिट पोल जो थे वो राजस्थान में कांग्रेस के लिए कह रहे थे कि सत्ता में नहीं आ रही है। 3 ने क्लोज फाइट दिखाई थी, 1 ने कांग्रेस को एज भी दी थी। तो शायद कांग्रेस जो है अभी भी पूरी उम्मीद जो है वो बनाए रखे हुए, और होता भी है नतीजों से पहले। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो अपने अपने ऑब्जर्वर जो है वो भी नियुक्त कर चुकी है, साथ ही उसने तमाम एक्शन जो है पर्दे के पीछे भी, अगर क्लोज फाइट रहती है, वहां पर निर्दलियों का सहारा लेना पड़ता है तो क्या स्ट्रेटजी होगी, उस पर भी बताया जा रहा है काम करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसी जरूरत आन पड़ती है तो बैंगलोर में भी व्यवस्था कर दी गई है। जी हाँ, मणिदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मणिदीप, तो देखिए कांग्रेस की जो रणनीति है, कांग्रेस की तैयारी है, वो तो हम लगातार दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में इस वक्त आप मौजूद हैं, किसी तरीके की हलचल क्या वहां आपको नजर आ रही है या 8 बजे के बाद गतिविधि तेज होगी? जी, मुझे लगता है कि अभी जब रुझान आने शुरू होंगे तब यहाँ पर गतिविधि तेज होगी। जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय में जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहाँ पर आरती हो रही है, वैसा आप कुछ बीजेपी में नहीं, लेकिन बीजेपी के जो कुछ एक प्रवक्ता जो हम पत्रकारों से जो ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं, वो लोग चूंकि अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं इंतजार करिए, हम लोगों ने अच्छे तरीके से मैनेज किया है, तो इंतजार है जब 8 बजे से जो रुझान है वो आने शुरू होंगे, मतगणना शुरू होगी 12 बजे तक, जो कह सकते हैं 24 के चुनाव का जो सेमीफाइनल है इसकी तस्वीर 12 बजे तक जब साफ होगी, तभी जाकर के बीजेपी के दफ्तर में स्थिति क्लियर हो सकेगी, साफ सोचेगी कि कार्यकर्ता और जो नेता है उनकी मनोदशा क्या है, उनके चेहरे क्या कह रहे हैं, उनके क्रियाकलाप क्या कह रहे हैं। फिलहाल जो नजर है वो मतगणना पर है, जो कि 8 बजे से शुरू होने वाली है। जो है जो लड्डू बटे थे और उसके बाद 10 बजे के बाद उन लड्डुओं को वापस भेजना पड़ा था, तो उससे सीख लेते हुए अभी बहुत ही आराम से बीजेपी कुछ भी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। चाहे वो जीत को लेकर आश्वस्त भले ही हों, लेकिन न तो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर, उनके हाव भाव में, और ना ही पार्टी के जो प्रदेश मुख्यालय हैं या फिर मुख्यालय पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच देखिए कि यहाँ पर अब काउंटिंग जो है बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। अनुराग, मुश्किल से 12 मिनट का वक्त बचा है और न्यूज नेशन हर अपडेट ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जो पल पल की खबर और जो भी डेटा आएगा वो सबसे पहले हम तक पहुंचाएंगे। तो ऐसे ही वो बक्से हैं जिनमें ईवीएम कैद है और सिर्फ 10 मिनट का वक्त बचा है जब ईवीएम खुलेगी और उसके बाद नतीजे आने शुरू होंगे। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। महापोल में जो बातें निकल कर आई है उसके मुताबिक राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के आसार हैं, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर बन रही है। महापोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त है, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं। अलग अलग एजेंसीज ने पोल करके राज्यवाद बनने वाली सरकारों की तस्वीरें साफ करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर हुए एग्जिट पोल में एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक बीजेपी को करीब 150 सीटें मिल रही है।
कांग्रेस को 68 में से 90 और अन्य को 3 सीट तक मिल रही है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हालांकि बीजेपी उसे कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। सी वोटर ने अपने एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलते दिखाया है, हालांकि बीजेपी उससे ज्यादा पीछे नहीं है। सीएनएक्स के पोल बीजेपी की भारी बहुमत से सरकार बनती दिखाई दे रही है। पोल स्ट्रेट ने बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर दिखाई है। इन सभी एग्जिट पोल का औसत बताता है कि एमपी में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापस लौट रही है। मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कहीं कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वे में या एग्जिट पोल में पलड़ा भारी नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। बात राजस्थान की करें तो 199 सीटों पर हुए मतदान के बाद एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 80 से 100 सीट मिलने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस को 86 से 106 सीट मिल रही है। मेट्राइज के पोल में बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनती दिखाई दे रही है। सी वोटर ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दी है, उसे करीब 100 सीट मिलने का दावा किया है। हालांकि सीएनएक्स के पोल में कांग्रेस को बीजेपी के ऊपर हल्की बढ़त मिलने का दावा किया है, तो पोल स्ट्रीट ने बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर की बात कही है। इनका समग्र औसत देखें तो महापोल में बीजेपी को करीब 100 सीटें मिल रही हैं और वो कांग्रेस के मुकाबले आगे दिखाई दे रही है, यानी सरकार बीजेपी की बन रही है। एग्जिट पोल कुछ भी आए सरकार कांग्रेस की बन रही है। राजस्थान के अंदर पांचों राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा, लेकिन जो करंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर हुए पोल में एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर दिखाई है। वहीं मेट्राइज ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हल्की बढ़त दिखाई है। सी वोटर के एग्जिट पोल में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि सीएनएक्स के पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में बीजेपी सह प्रायोजक बवासीर का सही इलाज आयुर्वेदिक जोलीवासीर कैप्सूल और जेल और स्वीटी सुपारी मस्ती भरा एहसास। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। महापोल में जो बातें निकल कर आई है उसके मुताबिक राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के आसार हैं, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर बन रही है। महापोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त है, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं। अलग अलग एजेंसीज ने पोल करके राज्यवाद बनने वाली सरकारों की तस्वीरें साफ करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर हुए एग्जिट पोल में एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को करीब 150 सीटें मिल रही है। कांग्रेस को 68 में से 90 और अन्य को 3 सीट तक मिल रही है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हालांकि बीजेपी उसे कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। सी वोटर ने अपने एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलते दिखाया है, हालांकि बीजेपी उससे ज्यादा पीछे नहीं है। सीएनएक्स के पोल बीजेपी की भारी बहुमत से सरकार बनती दिखाई दे रही है। पोल स्ट्रेट ने बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर दिखाई है। इन सभी एग्जिट पोल का औसत बताता है कि एमपी में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापस लौट रही है। मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कहीं कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वे में या एग्जिट पोल में पलड़ा भारी नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। बात राजस्थान की करें तो 199 सीटों पर हुए मतदान के बाद एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 80 से 100 सीट मिलने का दावा किया है।
वहीं कांग्रेस को 86 से 106 सीट मिल रही है। मेट्राइज के पोल में बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनती दिखाई दे रही है। सी वोटर ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दी है, उसे करीब 100 सीट मिलने का दावा किया है। हालांकि सीएनएक्स के पोल में कांग्रेस को बीजेपी के ऊपर हल्की बढ़त मिलने का दावा किया है, तो पोल स्ट्रीट ने बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर की बात कही है। इनका समग्र औसत देखें तो महापोल में बीजेपी को करीब 100 सीटें मिल रही हैं और वो कांग्रेस के मुकाबले आगे दिखाई दे रही है, यानी सरकार बीजेपी की बन रही है। एग्जिट पोल कुछ भी आए सरकार कांग्रेस की बन रही है राजस्थान के अंदर पांचों राज्यों में। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, बस 5 बूंदे रोज पियो स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो। और स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज, जब से कुछ ही देर में शुरू होगी वोटिंग, मतगणना केंद्रों पर तैयारी पूरी। चुनाव नतीजों से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज, कांग्रेस ने किया जीत का दावा, तो बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का भरोसा। नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, राजस्थान के लिए भूपेंद्र हुड्डा तो तेलंगाना के लिए डीके शिवकुमार नियुक्त। चुनाव के नतीजों से पहले समर्थकों में उत्साह, कांग्रेस मुख्यालय में हनुमान बनकर पहुंचे कार्यकर्ता, तो जयपुर में जलाए गए पटाखे। न्यूज नेशन पर देखिए सबसे तेज नतीजे, दर्शकों के लिए किए विशेष इंतजाम, मतगणना की नॉनस्टॉप कवरेज। को प्रेजेंटेड बाय पैसा बाजार, क्रेडिट स्कोर चेक, आदत अच्छी है। को पावर्ड बाय आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम, अब करो ड्राई स्किन को पल में छू मंतर। अल्ट्राटेक इंडियाज नंबर वन सीमेंट, और आर्सिलोर मित्तल निपॉन इंडिया, बनाऊंगा मैं बनेगा भारत। सेकेंड, जी हाँ, बस 3 मिनट का वक्त बचा है और उसके बाद ईवीएम बताएंगे कि आखिर अब किसकी बनेगी सरकार। जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे, पल पल की खबर न्यूज नेशन पर लगातार सबसे तेज सबसे सटीक। तो देश के 4 राज्यों की 638 विधानसभा सीटों पर किस तरीके के शुरुआती रुझान आते हैं, 3 मिनट से कम का वक्त बचा है, लगभग 2.5 मिनट का वक्त बचा है। शुरुआती रुझान सबसे पहले न्यूज नेशन आपको बताएगा और उन रुझानों का मतलब क्या होगा एक खास पैनल से हम समझने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं देश के जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, उन राज्यों के अलग अलग काउंटिंग स्टेशन की। चलिए, और मतगणना से पहले कांग्रेस दफ्तर में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, राम और हनुमान पहुंच गए हैं, तो बीजेपी दफ्तर में भी पूजा अर्चना शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में विशेष पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर क्लोज फाइट जो है वो आखिर तक आते आते उसमें तब्दील हो गया था ये चुनाव, जिसमें एडवांटेज भुगेल साफ तौर पर शुरुआत में दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख जो है वो नजदीक आई और उसके बाद जो मोमेंटम बना, उसके बाद जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये क्लोज फाइट है, एडवांटेज कांग्रेस जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर रमन सिंह जीत का दावा कर रहे हैं और पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में भी जश्न जोश पूरा है, पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। बीजेपी दफ्तर की भजन कीर्तन आपने देखे हैं, दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में भी लगातार जो है वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहां पर भी ढोल नगाड़े राम हनुमान पहुंच गए हैं, तो किसको आशीर्वाद देंगे प्रभु श्री राम, देखना दिलचस्प रहेगा। तो दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में हवन और पूजा हो रही है, हमारे सहयोगी सैयद आमिर की रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में जीत के लिए हवन शुरू हो चुका है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि जीत से पहले या नतीजे आने से पहले हवन करके बकायदा पूजा अर्चना जो है यहाँ पे की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जीत के लिए यहाँ पर हवन किया जा रहा है,
कई तरह की फोटो आपको यहाँ पे तस्वीरों में यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। फ्यूचर स्टार देखिए, रेहान वाड्रा, मियारा वाड्रा, फ्यूचर स्टार के नाम से यहाँ पर फोटो लगी हुई हैं। यहाँ पे सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, और मोहब्बत का फरिश्ता जिस तरह से लगातार राहुल गांधी जो है अपना यात्रा कर रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के वो तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है। और दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, पहले यहाँ पे आप देखिए, दूसरी तरफ आपको यहाँ पर सिलेंडर, राजस्थान में गैस का सिलेंडर ICU, यहाँ पे देखिए देश में गैस का सिलेंडर 1100 रुपये, इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं। और यहाँ पे कुछ जहाज को यहाँ पे दिखाया गया, तो कुल मिलाकर के हवन किया जा रहा है बाकायदा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ इस तरह से हवन हो रहा है। और इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कर रहे हैं ये, और यहाँ पर क्या दुआएं मांग रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हवन कर रहे हैं जीत के लिए। जी, भगवान से हम हवन द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी की पांचों राज्यों में जीत हो रही है, उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कैसे राहुल गांधी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए कितनी कोशिशें की गई। अगर छवि बिगड़ी होती तो जनता का प्यार नहीं मिल पाता, और आप देख सकते हैं पांचों राज्यों में जीत हो रही है, मतलब जनता प्यार करती है। अभी तो एक भी सीट का कोई नतीजा नहीं आया है, अभी तो शुरुआत है, इसलिए तो भगवान। चलिए, और पहले नतीजे आने बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे, रुझान आने, माफ कीजिएगा, नतीजे नहीं, पहला पोस्टल बैलेट जो है वो गिना जाएगा, और शुरू हो चुकी है इस वक्त काउंटिंग, मतगणना शुरू हो चुकी है, कुछ ही देर में पहला रुझान आ जाएगा, न्यूज स्टेशन सबसे पहले आपको दिखाएगा। और आपको बता दें, सबसे पहले शुरुआत के जो आधे घंटे होते हैं वो पोस्टल बैलेट जो है, माना जाता है कि 15 मिनट जो है पोस्टल बैलेट को दिए जाते हैं, लेकिन अभी अनुराग इस वक्त में वो भी स्टेट इलेक्शन में पोस्टल बैलेट की तादाद क्या बहुत ज्यादा होगी? तो देखिए, ये यहाँ पर अब आप देख रहे हैं जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और बस कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर, कुछ ही सेकंड के अंदर जो पहला रुझान है पोस्टल बैलेट का वो आपके स्क्रीन पर होगा। इस वक्त आप जो न्यूज नेशन की स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें आपको चारों तरफ वो चार राज्य भी नजर आ रहे हैं जहां के नतीजे आ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए नतीजे आएंगे, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 विधानसभा सीटों के लिए, छत्तीसगढ़ में 90 सीट, और नीचे जो आप टैली देख रहे हैं वो तेलंगाना की है जहां पर 119 सीटों के लिए विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो 638 विधानसभा सीट जिनके शुरुआती रुझान बस अब से कुछ ही मिनट के अंदर आपके स्क्रीन पर नजर आने शुरू हो जाएंगे। और जो शुरुआती ट्रेंड होता है, ऐसा कई बार देखा गया है कि वही ट्रेंड आगे नतीजों में भी तब्दील होता है। लेकिन अनुराग, जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि क्लोज फाइट है छत्तीसगढ़ में, एज जो है वो कांग्रेस को है, लेकिन क्लोज फाइट वहां भी है, कुछ कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी क्लोज फाइट है, तो यहां पर देखना दिलचस्प होगा राजस्थान छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अगर वो क्लोज फाइट होती है तो रुझान बहुत तेजी से बदलते भी जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि कई जगह 22 राउंड तक भी, मतलब इतनी ज्यादा वहां पर वोटरों की तादाद है कि 22 राउंड तक भी काउंटिंग जो है वो पहुंचती है, तो जो नतीजे आते हैं उनमें वक्त लग जाता है, लेकिन शुरुआती रुझान और अगर नेक टू नेक फाइट नहीं होती है, जीत का अंतर अच्छा होता है, तो वहां पर स्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा साफ हो जाती है 10:30 बजे के बाद, जो है वो स्थितियां जो है बहुत साफ हो जाती है, लेकिन रुझान जो है वो काफी कुछ तय कर देगा। देखिए, ईवीएम की जो पेटी है वो निकलनी शुरू हो चुकी है, स्ट्रांग रूम से ईवीएम की पेटी को निकाला जा रहा है, उन बक्सों को निकाला जा रहा है, और जो काउंटिंग का जो सेंटर है वहां पर ईवीएम मशीन पहुंच चुकी है, साथ ही साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता नियुक्त किए जाते हैं एजेंट के तौर पर वो वहां पर मौजूद हैं, तमाम जिला प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी अमला वहां पर मौजूद है। स्ट्रांग रूम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, क्योंकि 8 बजे से तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, अब से थोड़ी देर पहले जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम को निकाला गया वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस तरीके से एक सुरक्षित कमरे से ये ईवीएम मशीनों को निकाला जाता है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, विकास चंद्रा हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजकिरण हमारे सहयोगी हैदराबाद से हैं, जयपुर से हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से सैयद आमिर हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रुझान आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान में बीजेपी के खाते में एक जो है एडवांटेज मिलती दिख रही है, लेकिन ये पोस्टल बैलेट है, फिर से बता दूं ये बहुत ही छोटा नंबर है, तो लेकिन राजस्थान में अभी जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर 1 सीट पर पहले बीजेपी आगे चल रही थी, दूसरा रुझान किसके खाते में, कांग्रेस के खाते में जा रहा है, और छत्तीसगढ़ में अभी 1 रुझान आया जिसमें कांग्रेस जो है वो आगे दिख रही है, तो रुझान जो है ये अभी फिर से हम अपने
दर्शकों को बता दें कि ये सिर्फ पोस्टल बैलेट के हैं, ईवीएम की गिनती अभी शुरू होगी। हालांकि अनुराग, अगर हम गलत नहीं तो जहां पर पोस्टल बैलेट नहीं पहुंचे होंगे वहां पर तो ईवीएम की गिनती शुरू हो गई। जी बिल्कुल, और देखिए शुरुआती रुझान 6 सीटों के आए हैं 3 अलग अलग राज्यों के, 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और हर बीतते सेकंड के साथ रुझान की टैली तेजी से बदलती जा रही है। मध्य प्रदेश में 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में एक सीट पर बीजेपी और एक सीट पर कांग्रेस, और राजस्थान की 199 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी जबकि एक सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो इस वक्त 11 विधानसभा सीटों के शुरुआती रुझान आपके स्क्रीन पर। बिल्कुल, और ये नेक टू नेक फाइट जो है, अगर पोस्टल बैलेट कहें, हालांकि मिजाज जो है पोस्टल बैलेट आमतौर पर कहा जाता है कि वो एक परिपाटी रही है अनुराग के, बीजेपी के खाते में हमेशा जाते हुए नजर ज्यादा आते हैं वहां पर। आमतौर पर माना जाता है कि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उन्हीं के ये पोस्टल बैलेट होते हैं, तो वो जो है ज्यादा उनका इंक्लिनेशन जो है वो बीजेपी की तरफ रहता है। देखिए मध्य प्रदेश में ये रुझान 6 बीजेपी 2 कांग्रेस, राजस्थान में 6 बीजेपी 1 कांग्रेस, और छत्तीसगढ़ में 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी, और वहीं तेलंगाना की बात करें तो वहां से भी पहला रुझान आ गया है। बीआरएस जो है वो एक सीट पर अभी उसने पहले रुझान में बढ़त बनाई है, तो यहां पर काफी तेजी से रुझान आ रहे हैं। और यकीनन जिस तरह से राजस्थान में जो रिवाज और राज की बात हो रही थी, तो रिवाज की तरफ ही ये रुझान जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो शुरुआती टैली है वो बता रही है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले बड़ी बढ़त बनाए हुए है। ये टैली बता रही है कि मध्य प्रदेश में जो मुकाबला है वो अभी भी लगभग बराबरी का चल रहा है, और कुछ उसी तरीके का बराबरी का मुकाबला छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है, जहां पर 3-2 से मुकाबला है, 3 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी। वहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 10 सीटों में से मुकाबला बराबरी का, मध्य प्रदेश के शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबरी पर नजर आ रहे हैं। 11 सीटों पर रुझान आ चुका है, 6 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस। राजस्थान में 10 सीटों का रुझान आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बढ़त बनाई हुई है, 8 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस। इनके सर इसमें सिर्फ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ही वोट काउंट हो रहे हैं या जो सीनियर सिटीजन है जिनको घर पर जाकर वोट कराने का इस बार चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया वो भी यहाँ पर काउंट किए जा रहे हैं? सर मेरे ख्याल से इस वाली नई वाली जो व्यवस्था आई है इसमें ये दोनों एक साथ काउंट हो रहे हैं, सीनियर सिटीजन के जो बैलेट हैं वो भी इसमें खोले जाएंगे, और इसी के साथ जो बाहर के सरकारी कर्मचारी हैं जैसे मिलिट्री के लोग हैं जो बाहर बाहर रहते हैं उनके वोट्स भी रहेंगे। तो मुझे लगता है ये ट्रेडिशन है, आपने सही कहा है कि इसमें जो वोट होते हैं वो बीजेपी को जाते हैं, लेकिन अभी बहुत बहुत अर्ली है कहना। बिल्कुल, ये बहुत शुरुआती है, लेकिन इस बीच बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मेरी सहयोगी रंजना ने बातचीत की है, किस तरह से राजस्थान के मुकाबले में उतार ठोक रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं पार्टी के नतीजों को लेकर, जरा सुनते हैं। सर 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 एक बार एक मिनट आपको कैसा लग रहा है और आज के रुझानों को लेकर क्या? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है प्रचंड बहुमत के साथ में। भारतीय जनता पार्टी जीत, क्या लग रहा है आपको जीत के साथ में? सर क्या जीत का गणित क्या है? सर जीत का गणित पूर्व केंद्रीय मंत्री विधानसभा ना उम्मीदवार कुछ भी नहीं आया। चलिए, तो लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, हमारे साथ तमाम हमारा वरिष्ठ पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है ग्राउंड जीरो से हर अपडेट देते हुए। शुरुआती रुझान एक बार फिर से बता दें, फिर इन रुझानों के मायने समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दबाजी है, सिर्फ पोस्टल बैलेट है। राजस्थान में 15 रुझान आए हैं, 10 बीजेपी के खाते में जा रहे हैं और 5 कांग्रेस के। वहीं मध्य प्रदेश में 11 बीजेपी और 8 कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर 2 बीजेपी और 4 कांग्रेस, और तेलंगाना में एक ही रुझान आया है अभी, 1 बीआरएस के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं। एनके सिंह जी, यहाँ पर ये शुरुआती रुझान जो हैं वो क्या मिजाज बता रहे हैं या फिर ये परंपरागत जो एक वोटर है ट्रेडिशनल बैलेट जो पोस्टल बैलेट का वही आप समझेंगे? अभी तो बहुत अर्ली है इसलिए नहीं, लेकिन हाँ अगर ये 45 मिनट अगर हो गया होता तो हम इसको एक ट्रेंड मान सकते थे। लगभग 45 मिनट लगते हैं जिसमें कि ट्रेंड का एनालिसिस आप कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि लो परसेंटेज टर्नआउट हो या हाई टर्नआउट हो, इससे अगर हम कोई अंदाज़ा लगाना चाहें तो वो भी इन चुनाव में नहीं लग रहा है। तो ये दो बातें बहुत साफ है कि अर्ली अगर काउंटिंग आप देख रहे हैं तो ये बैलेट बाहर के लोगों का है,
और जो बाहर रह रहे हैं, और ये एक सुविधा दी गई है सीनियर सिटीजन्स को भी दी गई है, तो इससे अभी तो असेसमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि अगर बीजेपी को इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लोग दे रहे हैं, तो ये कहीं देखने वाला है कि बीजेपी को लेके नाराजगी कम है। ऐसा जो माना जा रहा था कि नाराजगी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में और खास करके पेंशन को लेके, ये पेंशन वाली नाराजगी नहीं है, ये तो इससे दिखाई नहीं रहा है। चलिए, ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास चंद्रा भोपाल से हमारे साथ हैं, रंजना जयपुर से जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ राजकिरण जो हैं हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, अपडेट लेंगे। अनुराग जी हाँ, साथ ही साथ कैलाश सोनी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। राकेश शेट्टी साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश सोनी जी, शुभकामनाएं अभी लेंगे किसी राज्य के लिए, और अगर हाँ तो किस राज्य के लिए? चलिए, राकेश शेट्टी जी भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश शेट्टी जी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जीत के पोस्टर लग चुके हैं, कांग्रेस मुख्यालय पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो पोस्टल बैलेट के रुझान है शुरुआत में कम से कम, वो ये इशारा तो नहीं कर रहे हैं। राकेश शेट्टी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है? राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआती जो बैलेट है, पोस्टल बैलेट, उनके रुझान तो आपको मुस्कुराने का, खुश होने का मौका दे रहे हैं। देखिए, ये रुझान जैसे से और आगे बढ़ते जाएंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2018 में कांग्रेस मुस्कुराई थी, लेकिन 2023 के परिणामों से भारतीय जनता पार्टी मुस्कुराएगी। कांग्रेस के लिए मायूसी का दिन होगा, और भारतीय जनता पार्टी जैसा रुझान शुरू हुआ है, ये रुझान और सकारात्मक तौर पर बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ेगी, तेलंगाना में भारत। लेकिन छत्तीसगढ़ में 14 रुझान जो है वो कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं, बीजेपी के खाते में 8 रुझान जाते हुए दिख रहे हैं, और मध्य प्रदेश जहां पर एडवांटेज कहा जा रहा था कई जगह कि बीजेपी को मिल सकती है, कई एग्जिट पोल जो है बीजेपी को जिता रहे थे, लेकिन वहां पर नेक टू नेक फाइट चल रही है। 130 प्लस ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखिए। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। ना केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो रहे हैं। 2000 आपने ट्वीट किया है, आपने सुबह जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे? अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा काम। जो देखिए, बात यह है, जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर, पोस्टर्स लगाए गए हैं शुभकामनाओं के, कमलनाथ जी पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर, पूरे लगाने वाले से पूछो। सर, 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप? जी हाँ जी हाँ जो है उस पर भी तलखी, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जो फूट पड़ी रहती है, उसको साफ साफ एनके जी यहाँ पर मीडिया के सामने भी वो छुपा नहीं पाए। सख्त व्यंग था, और वो भी चुनाव के नतीजे आने के कुछ मिनट पहले, ये कहना कि जो लगाए हैं उनसे पूछो, ये मेरे ख्याल से जो इंटरनल कांग्रेस का अपना डायनेमिक्स है, ये उसको उजागर करता है, जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जब सत्ता अगर कहीं आ रही हो तो ये ज्यादा फ्लेयर अप होगा और ज्यादा वोकल होगा। जी ठीक है, लेकिन जो शुरुआती टैली है, हमारे साथ मनोज गरोड़ा जी भी जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ न्यूज़ नेशन नेटवर्क। मनोज सर, जो शुरुआती टैली है, इस टैली को एक्सप्लेन करना, एनालाइज करना, क्या जल्दबाजी होगी? लगभग 15 मिनट हो चुके हैं हालांकि अभी। देखिए, अभी तो जो ईवीएम है उसको भी खुलने में अभी 15-20 मिनट का टाइम है, उसकी काउंटिंग शुरू होगी, फर्स्ट राउंड आने में आधा घंटा 1 घंटा और लगेगा। मेरे को लगता है कि ये उसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी।
लेकिन ये जो इलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। जैसे हम लोग अपने रिपोर्टर्स से जो हमें फीडबैक मिलता है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, इन दो स्टेट में तो कम से कम यहाँ नेक टू नेक फाइट है, और छत्तीसगढ़ में भी किसी एक पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। तो इन तीनों जगह जो फाइट है बहुत ही कांटे की टक्कर है, और उसी तरीके से तेलंगाना में क्या होगा वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो एग्जिट पोल भले ही कुछ भी बोले, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर्स का जो फीडबैक है वो यही है कि सारे के सारे इलेक्शंस में कांटे की टक्कर। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो हमारे रिपोर्टर्स का फीडबैक था वो ग्राउंड जीरो से मनोज जी, वो देखिए वही अभी शुरुआती रुझान जल्दबाजी है, लेकिन उसमें नजर आ रहा है तमाम एग्जिट पोल भले ही ये कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो थंपिंग मेजोरिटी से भी आ सकती है, 3 से 4 एग्जिट पोल कह रहे थे, लेकिन देखिए वहां पर नेक टू नेक फाइट जो है वो शुरुआती रुझान में दिख रही है 46 और 41। हाँ ये है, लेकिन साथ ही ये भी है कि हमारे रिपोर्टर्स का ये भी कहना था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में नेक टू नेक फाइट है, लेकिन बीजेपी को एक एज है। तो वो जो एज है अभी, जो अगर हम अगर ये जो भी अभी जो परिणाम आ रहे हैं अगर हम इसको सीरियसली लें तो वो एक एज बीजेपी को भी दिखाई देती है। जी राकेश त्रिपाठी जी, जो शुरुआती टैली है उसके मुताबिक तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट मिल रही है अभी तक शुरुआती रुझान के मुताबिक। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुकाबला बराबरी का है। विकास चंद्र, आप तो लगातार बीजेपी को कवर भी करते हैं, इन शुरुआती रुझानों की उम्मीद क्या बीजेपी के बड़े नेता भी मानकर चल रहे हैं? जी, इस जो शुरुआती रुझान आए हैं ये बैलेट के हैं, तो इसको बीजेपी के नेता मानकर चल रहे थे। और मेरा भी अनुभव कह रहा है कि जिस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था, वो मुद्दा जो है वो सरकारी कर्मचारियों में काफ़ी प्रभाव रखा और उसका प्रभाव देखा भी गया। तो ये उम्मीद की जा रही थी पहले से कि जब पोस्टल बैलेट खुलेगा तब उसमें कांटे की टक्कर दिखाई देगी या कांग्रेस उसमें आगे दिखाई देगी, उसमें बीजेपी को कोई बहुत बढ़त मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद पहले भी नहीं थी। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों में अब इस बात की सुगबुगाहट हो गई है कि अगर सांसद और एमएलए को पेंशन मिलता है तो 30-35 साल की नौकरी के बाद उन्हें क्यों ना मिले। तो ऐसी उम्मीद पहले से थी कि इस तरीके की टक्कर दिखाई देगी, लेकिन इंतजार करना होगा अभी, जैसा सर कह रहे थे कि जब ईवीएम खुलता है और ईवीएम की काउंटिंग कम से कम तीसरे राउंड के बाद चौथे राउंड में चली जाए तब एक ठोस नतीजे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसको फिर एनालाइज करके बताया जा सकता है कि किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग हुआ और क्या रहा, बीजेपी के दावे कितने सच साबित हो रहे हैं या फिर कांग्रेस के दावे थे उस पर कांग्रेस पार्टी कितना खरा उतरी है जनता की कसौटी पर। तो अभी ये पोस्टल का मामला है तो इसमें तो कांटे की टक्कर की उम्मीद थी ही, उम्मीद क्या उसमें कांग्रेस को आगे निकलने की ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन यहाँ कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। चलिए, तो कांटे की टक्कर भी शुभ संकेत है, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के बावजूद भी यहाँ पर अगर पोस्टल बैलेट जो है बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है तो यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी नाराजगी नहीं है, कोई ना कोई फैक्टर जो है जरूर पॉजिटिव रहा है सरकारी कर्मचारियों के लिए भी। लेकिन यहाँ पर शुरुआती रुझान है ये, अभी हम फिर से बता दें जैसे कि लगातार हम अपने दर्शकों को ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये पोस्टल बैलेट के हैं। अभी ईवीएम 15 से 20 मिनट लगता है उसकी पूरी प्रोसेसिंग होने में, काउंटिंग होने में, और उसके बाद एक एक जो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो बाहर आके रिजल्ट जो है बताते हैं कि फर्स्ट राउंडिंग काउंटिंग जो है वो इस ओर इशारा कर रही है। तो अभी उसमें वक्त लगेगा, 8:30 बजे स्थिति जो है और ज्यादा बेहतर तरीके से अनुराग हम समझ पाएंगे। अब बिल्कुल, एक बार फिर रुक करते हैं जयपुर का, हमारी सहयोगी रंजना सिंह राठौर लगातार जयपुर से बनी हुई है। रंजना, राजस्थान की 87 सीटों की जो शुरुआती टैली है उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए, हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, क्या इसके पीछे की बड़ी वजह नजर आती है? पहले से ये माना जा रहा था कि मुकाबला बराबरी का होगा। बिल्कुल अनुराग, जैसे कि मनोज जी ने भी कहा कि ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा बखूबी तौर पर बता पाएंगे, तो नेक टू नेक मुकाबला तो रहने वाला। हालांकि जो तस्वीरें रुझानों की वो 9:30 के बाद और ज्यादा साफ हो जाएगी और उसके बाद किस ओर ये हवा मुड़ती है ये देखना भी दिलचस्प होगा। अभी भी राजवर्धन सिंह राठौर भी यहाँ से गुजरे थे, जोटवाड़ा से वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस था, एक तेज था, और ये कहा उन्होंने, जीत का दम भी भरा और कहा कि हाँ सरकार आ रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है वो पूरी तरीके से आश्वस्त है। आश्वस्त इसलिए भी क्योंकि रिवायत है यहाँ पर हर 5 सालों में सरकार बदलने की, पिछले 30 सालों से ये रिवायत है। तो अगर ये रिवायत बदलती है तो अनुराग बहुत कुछ राजस्थान में बदलेगा, क्योंकि देखिए राजस्थान में रेगिस्तान जरूर है लेकिन वोट बैंक के लिहाज से सबसे उपजाऊ भूमि ये मानी जाती है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार में आना 2024 के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। बहरहाल
कांग्रेस का ये कहना है कि जो तमाम वादे उन्होंने किए, देखिए चुनावी वादे कांग्रेस की तरफ से कई किए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण वादा जो था वो महिलाओं को लेकर था, क्योंकि लगातार सरकार उन कटघरे में थी महिलाओं के मुद्दों को लेकर। ऐसे में अशोक गहलोत भी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि पूरे चुनावी रैली के दौरान, प्रचार के दौरान जो मुद्दे गरमाए रहे उसमें रंजना जी, ये जो शुरुआती रुझान है 55 और 48, बीजेपी 55 और कांग्रेस 48, यहां पर एनके सिंह जी मैं गलत नहीं होंगी, जो बागी हैं, जो निर्दलीय के तौर पर खड़े हो गए हैं, अब फोन अगर यही टैली रहती है आगे चल के भी आधे घंटे बाद भी, तो उनके फोन खड़कने शुरू हो जाएंगे, अहमदाबाद, मुंबई, बैंगलोर में इंतजाम भी शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, वो ऑलरेडी इनके स्कीम में आ चुका है, और आप देखें तो रिसॉर्ट्स बुक कराए जा चुके हैं, और मुझे लगता है कि जब सारे को कहा गया है कि जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो तब तक आप स्टेट कैपिटल में हो, तो उसका पर्पस यही है कि हंग सिचुएशन में हमारे मुर्गियों को दूसरा कोई उठा ना ले जाए। और इस बार कांग्रेस भी काफी अग्रेसिव दिख रही है मनोज जी, पहले हमेशा कहते थे कि कांग्रेस सोती रह जाती थी और बीजेपी सरकार बना ले जाती थी जहां नेक टू नेक फाइट होती थी, यहां पर देखिए कि पर्यवेक्षक भी नियुक्त हो गए हैं, सभी को जारी हो गए हैं निर्देश भी कि आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जयपुर पहुंचना है। बताया तो ये भी जा रहा है, जो अनऑफिशियल खबरें जो आती हैं वो कह रही हैं कि रिजॉर्ट भी बुक है, हेलीकॉप्टर भी तैनात है। देखिए ऐसा कि कर्नाटक इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आया है, और ख़ास तौर से राहुल गांधी जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो ये सब देखते हुए प्लस जहां कांटे की टक्कर है, और ये अगर इन स्टेट्स को देखें तो यहां राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है ही है, और पिछले इलेक्शन में मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कि कांग्रेस की ही सरकार आई थी जी, तो ये स्टेट ऐसे है, और छत्तीसगढ़ में उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, और तेलंगाना से जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसको देखते हुए लगता है कि वहाँ कांग्रेस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसे में तो ये बिल्कुल ही स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगी, और बल्कि प्रोएक्टिव तरीके से वो यहाँ काम करेगी। हाँ बिल्कुल, ये टैली इस वक्त लगातार आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जिसमें आंकड़ा एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में 199 सीटों में से 108 सीटों का रुझान आ चुका है, और देखिए अशोक गहलोत अपनी जो सीट है सरदारपुरा उससे आगे चल रहे हैं, बीजेपी के प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर आगे चल रहे हैं, झालारा पाटन सीट से वसुंधरा राजे उनका गढ़ है वो आगे चल रही हैं, तो जो तमाम बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं राजस्थान के, वो अपनी अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि जोधपुर में किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी डेंट पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी को, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है अशोक गहलोत के गृह जनपद में इस बार। और अशोक गहलोत को लेकर अनुराग एंटी इनकम्बेंसी सरकार को लेकर थी, लेकिन अशोक गहलोत को लेकर नहीं थी, लेकिन जब पिछली बार अशोक गहलोत चुनाव हारे थे तब भी उनको लेकर नाराजगी कभी नहीं रहती है, काफी जमीन से जुड़े हुए और बहुत ही विनम्र नेता है, लेकिन फिर भी राजस्थान जो है अपना रिवाज जो है वो नहीं बदलता है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी इस वक्त राकेश शेट्टी, अगर मैं गलत नहीं हूं मेरे पीसीआर कंफर्म करें, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश शेट्टी जी। राकेश जी, शुरुआती रुझान नेक टू नेक फाइट बता रहे हैं, आप तो जीत का दावा कर रहे थे, क्या कहेंगे, अभी और इंतजार करें? नहीं बिल्कुल, अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी 9, 9:30 बजे तक मुझे लगता है कि एक क्लियर पिक्चर सभी राज्यों में दिखने लग जाएंगे, और हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआती दौर है, अभी तो 8:30 बज रहा है। मगर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह फुल कॉन्फिडेंस है, जिस तरह हमने कैंपेन चलाया सभी 5 राज्यों में, हमें पूरा आशा है कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा। ठीक है, कैलाश सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। कैलाश सोनी जी, अभी शुभकामनाएं लेंगे किसी राज्य के लिए? ये प्रारंभिक रुझान में भाजपा अभी आपके आगे दिख रही है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। मध्य प्रदेश में तो बनेगी, लेकिन यही बात आप छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए भी कहेंगे या सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर आश्वस्त हैं? छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी हम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी जो प्रारंभिक रुझान है, और रुझान आने के बाद जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है सब तरफ।
सब तरफ, लेकिन छत्तीसगढ़ में आंकड़ा हमारे पास जो आ रहा है वो कह रहा है कि कांग्रेस जो है वो 29 पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में फाइट है। ठीक है छत्तीसगढ़ में फाइट है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी मानकर चल रही है कि छत्तीसगढ़ में स्थितियां सामान्य नहीं है। लेकिन शेट्टी साहब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी का आगे चलना लगभग एग्जिट पोल को सही साबित करता हुआ नजर आ रहा है, कहां कमी रह गई, हालांकि बहुत शुरुआती वक्त है जी। शेट्टी साहब, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एग्जिट पोल हमने भी देखा है, मगर आप जानते हैं कि वो 100% सटीक रिजल्ट कभी नहीं दे पाते, और दोनों राज्य में मध्य प्रदेश और राजस्थान है, हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है दोनों जगह पे सरकार बनने जा रही है। कल बहुत सारे एग्जिट पोल ऐसा दिखा रहे कि मध्य प्रदेश में हम हार रहे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मिसगाइडिंग था, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे जो हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे, कैडर काम कर रहे, हमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है। और आप देखिए ना कि खुद भारतीय जनता पार्टी जो शिवराज सिंह चौहान साहब को 3-3 बार मुख्यमंत्री बना है, उनका नाम तक लेने को तैयार नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग मुख्यमंत्री को डिस्क्रेडिट कर रहे, जनता क्यों भरोसा करे उनके मुख्यमंत्री के ऊपर। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी आपको तो नहीं नजर आ रही, लेकिन रुझान में तो आपको बता दें कि 67 सीटें बीजेपी अभी शुरुआती स्थिति में आगे चल रही है और कांग्रेस 60, और 18 साल की, मनोज जी 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, एक ही चेहरे के फटीक के बावजूद भी अगर आप नेक टू नेक फाइट भी दे रहे हैं, चलिए अभी हम मान लेते हैं कि 50-50 एडवांटेज बीजेपी भी नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर जीत जाते हैं वो तो अलग ही मायने होंगे। हाँ देखिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मेरे ख्याल से इसका पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी की जो अभाव स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी के का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसने भी जिस तरीके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा, उन सब का उसमें कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सबसे बड़ा जो अगर इसका क्रेडिट किसी को देना होगा, तो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनको इसका सारा क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक मामा वाली इमेज बनाई, लाडली बहना स्कीम वो लेकर आए, उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। उस तरीके से बाकी भी जो सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं, और प्लस उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी वहाँ ठीक था, और कोई ऐसे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कोई बहुत बड़ा वहाँ कोई मुद्दा नहीं था जी। तो कांग्रेस पार्टी के पास मध्य प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं था, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान की जो स्कीम्स थी, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वेलफेयर स्कीम्स प्लस वैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका ठीक था, तो सब तरीके से। और जी, महिला वोट बैंक को उन्होंने जिस तरह से साधा, आप देखिए कि चाहे लाडली बहना हो, मामा बने, इनका जिक्र तो होता है, लेकिन दो ऐसी स्कीम्स हैं जिसका ग्राउंड जीरो पर जब हम अपने रिपोर्टर से बातचीत कर रहे थे बहुत फायदा हुआ, पुलिस भर्ती में जो उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की, साथ ही उसको बढ़ाने की बात की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जो वेजेस बढ़ाए और कहा कि जब वो रिटायर होंगी, जब अपना कार्यकाल खत्म करेंगी तो उनको एक मुश्त राशि, तो वो भी महिलाओं को बहुत ज्यादा उसने प्रेरित किया है। हाँ जी, महिलाओं की तरफ शिवराज सिंह चौहान का काफी फोकस था, और मामा वाली इमेज जो उन्होंने बनाई है वो इमेज के पीछे यही सारे के सारे कारण थे। इनफैक्ट मैं एक दो एग्जिट पोल देखे, एग्जिट पोल को मैं बहुत ज़्यादा ठीक नहीं मानता, लेकिन उसके बाद भी उस एग्जिट पोल में जो एनालिसिस थे उसमें यही था कि 50% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया है। अगर ऐसी बात है ये तो फिर बहुत 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 बड़ा नंबर है बीजेपी के लिहाज से। लेकिन इनके सर जो राजस्थान की टैली है उसको भी आप देखें तो 70 और 63 सिर्फ 7 सीटों से पीछे चल रहे हैं अशोक गहलोत। क्या इसको आप भी मानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए, अशोक गहलोत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है? अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो क्लीन स्वीप होता बीजेपी का, या सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टी मेजरली यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो जो मार्जिन है वो कुछ इसी तरीके का रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, एंटी इनकम्बेंसी अगर मध्य प्रदेश में नहीं है 18 साल के बाद, तो जाहिर है कि 5 साल में जो आजकल के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो डायरेक्ट डिलीवरी मोड में आके सीधे पैसा फेंक रहे हैं, सीधे। लाडली बहना आपने देखा कि 6 महीने पहले स्कीम आई और 125 करोड़ महिलाओं को उन्होंने दिया, जिससे कि टर्निंग पॉइंट था, वो पूरा भी हो गया, मतलब पैसे मिले हैं खाते में। हाँ, उनके उसमें आए, खाते में आए हैं। यही बात अशोक गहलोत के लिए भी, डायरेक्ट डिलीवरी मोड में सीधे पैसे, जैसे कि आप देखें उनका जो 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 25 लाख का,
तो ये सब चीजें जो हैं, जो आजकल के चीफ मिनिस्टर सीधे देख रहे हैं कि जीडीपी हमारा ज्यादा है, लिहाजा पैसा फेंको इलेक्शन जीतने के लिए। बतौर पत्रकार हमारे लिए इलेक्शन के रिजल्ट जो है बहुत ही दिलचस्प हो रहे हैं, क्योंकि कांटे का मुकाबला है और बहुत सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने के लिए जरूर यहां मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कांटे के मुकाबले की उम्मीद जो की जा रही थी, उसमें एडवांटेज कांग्रेस जरूर है, लेकिन बीजेपी, जिसके लिए कहा जाता था कि आपके पास चेहरा नहीं है, कार्डर नहीं है, भूपेश बघेल जो है बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जिस तरह के बयान और सीधे मोदी से जिस तरह की वो टक्कर ले रहे थे, उसके बाद बीजेपी वहां पर 25 के आंकड़े तक यहां पर शुरुआती रुझान में पहुंच रही है। आरएसएस का कितना रोल से देखें तो ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी इसको एनालाइज करना पड़ेगा। अब की बार जो चुनाव हुआ उसमें ये मान के चला गया बीजेपी की तरफ से कि मोदी ही फोकस होंगे, बाकी कोई भी हमारा जो लीडर है जी, वो मेन उस पे नहीं रहेगा, वो सब्सिडियरी फंक्शन करेगा, लेकिन मेन चेहरा हमारे मोदी होंगे। छत्तीसगढ़ से देखिए, मैं आपको रोकूंगी, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बीजेपी जो है वो कांग्रेस से ज्यादा रुझानों में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस 27 और बीजेपी 30, कांग्रेस 27 और बीजेपी 30 छत्तीसगढ़ में पहली बार, अभी तक के जितने भी रुझान रहे थे अनुराग, कांग्रेस एडवांटेज पे थी, लेकिन पहली बार बीजेपी एडवांटेज पे रुझानों में बढ़त बना रही है। बिल्कुल, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। हालांकि शुरुआती रुझान सिर्फ 30 मिनट अभी हुए हैं, 28 मिनट हुए हैं, अभी लगभग एक मिनट का इंतजार और करना होगा, 60 सेकंड का इंतजार और करना होगा, जिसके बाद ईवीएम से जो सामान्य वोटर्स हैं उनकी जो काउंटिंग है वो प्रक्रिया शुरू होगी 8:30 बजे, और उसके बाद जो शुरुआती रुझान आने शुरू होंगे अगले 5 से 7 मिनट के अंदर, वहां से जो ट्रेंड सेट होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो अगले 30 मिनट बेहद महत्वपूर्ण। यहां इस वक्त जो आप टैली देख रहे हैं इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे है, राजस्थान में बीजेपी आगे है, और तेलंगाना में यहां कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बीआरएस लेकिन यहां पर कड़ा मुकाबला देती हुई नजर आ रही है, और बीआरएस की सहयोगी एआईएमआईएम भी एक सीट पर, यानी बीआरएस गठबंधन 22 सीटों पर, कांग्रेस 26 सीटों पर, लेकिन तीन बड़े राज्य उत्तर भारत के जहां भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और ये बढ़त अपने आप में, अगर यही जो रुझान है आगे अगले एक घंटे तक अनुराग का बने रहते हैं, तो 2024 के लिए भी बहुत कुछ संदेश इन रुझानों में छिपा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा आप देखिए कि कहीं भी आगे नहीं किया गया था, मोदी जो है उनके नाम पर, उनकी इमेज के नाम पर भी। इस बीच माफ कीजिए पिनाज, आपको रोक रहे हैं, इस वक्त की एक बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना में देर से शुरू हुई है मतगणना, स्ट्रांग रूम खोलने में दिक्कत आ रही थी, सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया है। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर, नरेंद्र सिंह तोमर का गृह जनपद, जहां से वो खुद दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां स्ट्रांग रूम को खोलने में दिक्कत आई, जिसके बाद सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया, और उसके बाद मतगणना शुरू हुई है मुरैना से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मनु सर, ये जो टैली है जिसमें तीन राज्यों में अब बीजेपी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि बीजेपी खुद ऐसा नहीं मान रही थी। हाँ देखिए, और मेरे को लगता है कि अगर हम थोड़ा अगर इंतजार करें आधे एक घंटे का, तो इसमें हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे मनोज जी। लेकिन अगर जिस तरह से हम देखें कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, एंटी इनकम्बेंसी वहाँ एक फैक्टर था, उसके बावजूद भी अगर आप क्लोज फाइट में आते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि 18 साल में आप इतना कोई ऐसा पॉइंट नहीं दे पाए हैं विपक्ष को कि वो थंपिंग मेजोरिटी, यानी कि अभी विकास चंद्रा से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि MP इलेक्शन में इस बार एक अलग तरह का पैटर्न था, ना चेहरा है, ना मुद्दा है, ना कोई एक स्ट्रांग वेव है, कुछ भी नहीं फील हुआ है। हाँ देखिए, चेहरे की जहाँ तक बात है, अगर हम बीजेपी की बात करें, तो लास्ट में चीफ मिनिस्टर ने, शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया। और जहां तक बीजेपी की बात है, शुरू में उन्होंने अगर हम आज से 4 महीने पहले की बात करें, तो उस समय बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को ज़रूर साइड में करने की कोशिश की थी, और जिस तरीके से टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये जो पहला जो राउंड था, सेकंड जो राउंड था में था, उसमें जितना भी जो भी टिकट गया, केंद्र के जो नेता थे उनको भेजा गया, वो सारा का सारा सेंटर से हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आखिरी के 2 राउंड देखें, तो वहाँ शिवराज सिंह चौहान का काफ़ी ज़्यादा होल्ड। 165 रैलियाँ की हैं शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में, और ये जो रैलियाँ हुई हैं ये ज़्यादातर आखिरी वक्त में हुई हैं, जिसका जिक्र मनुस्तर यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन ये जो तीन राज्य सर उत्तर भारत के मनुस्तर, यहाँ अगर बीजेपी बढ़त बना रही है, तो इसका सीधा मतलब ब्रांड मोदी की जो मजबूती है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। देखिए, राजस्थान में 2 ओपिनियन है, एक तो ये है कि वसुंधरा को इन्होंने साइड में किया, उसके बावजूद भी अगर इलेक्शन जीतते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मोदी का जो चेहरा है
मोदी के चेहरे की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरा व्यू ये भी है कि अगर वसुंधरा को फ्रंट में रखे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते तो हो सकता है कि राजस्थान में जो जीत है उसमें मार्जिन कहीं ज़्यादा होता। तो और जो बागी हैं इस बार राजस्थान में अगर हम बात करें तो एनके सिंह जी, राजस्थान में बागी जो हैं वो एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहे क्योंकि वो निर्दलीय खड़े होकर दोनों ही पार्टियों के लिए समस्या थी। और कई सीटें ऐसी भी रहती हैं जो अगर हम एनालिसिस करें कि लगभग 35 सीटें ऐसी भी रहती हैं जहां बहुत क्लोज मार्जिन से फाइट रहती है, तो ऐसे में बागियों का खड़े होना और कितना बड़ा ये इस पूरे टैली को अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो आपको लगता है कि कितना बड़ा एक परेशानी का सबब रहे बागी? बिना जी, इंडियन डेमोक्रेसी का एक एबरेशन है, एक अजीब सा विवादास्पद पक्ष है जिसमें कि आप कैडर स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, जैसे बीजेपी में आप सोचिए कि अगर विवाद होता है तो स्ट्रांग कैडर स्ट्रक्चर है, स्ट्रांग कमिटमेंट लेवल होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर एक तरफ वसुंधरा राजे हैं तो उधर कांग्रेस में देखें तो सचिन पायलट है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उनके यहाँ भी है इनके यहाँ भी है, रिबेल्स दोनों तरफ से खड़े हुए हैं। और ये बात सच है कि 40 सीटों पे अगर रिबेल्स प्रभावित कर रहे हैं तो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लिहाजा ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रिबेल एक बड़ा फैक्टर है जो हम लोग पोल एनालिसिस में आमतौर पे नहीं फैक्टर इन कर पाते हैं। ठीक है सर, लेकिन राजस्थान में तो इनके सर ये माना गया कि जो सचिन पायलट गुट के ज्यादातर लोग थे उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे गुट के कई ऐसे बड़े नेता थे, कैलाश मेघवाल जिनको निष्कासित किया बाद में, यूनुस खान का टिकट कटा जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा, कुछ लोगों के टिकट शिफ्ट कर दिए गए, सीटें बदल दी गई, बाद में उनको मनाने की कोशिश की गई, एक झटका एक मैसेज वसुंधरा राजे को बीजेपी ने ज्यादा दिया राजस्थान में बनस्पत सचिन पायलट के कांग्रेस पार्टी में राजस्थान दिया। ये बात बिल्कुल सही है कि शुरू में दिया, लेकिन बाद के दौर में आप देखिए तो वसुंधरा क्या इस्तेमाल करने का कि वसुंधरा राजे की इमेज का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो वसुंधरा को इस्तेमाल किया गया, और यही नहीं किया गया, आप अन्य जगहों पे भी देखिए, जिसे शिवराज सिंह चौहान लास्ट के 10 डेज जिस तरह का कैंपेन था और जिस तरह उनको ऑटोनॉमी थी कैंपेन में, ये इसलिए था कि आप अपने उसका जिस आदमी में आपने 18 साल इन्वेस्ट किए हैं, जिसको जिसके लीडरशिप को ग्रो करने में, उसको आप ऐसे ही किनारे थोड़ी छोड़ सकते हैं, लिहाजा शिवराज सिंह चौहान का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि मोदी का फेस अभी भी मकबूल है, ये इन दो राज्यों में अगर ये आता है जी। तो ये करेगा एक मैसेज, और कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी थी वो थी लोकल इश्यूज उठाइए और सिर्फ एक कास्ट वाला छोड़ दीजिए, कास्ट सेंसस का डिमांड जो राहुल गांधी करते रहते थे जी। उसको छोड़ दीजिए, तो लोकल लीडर्स को पूरा उन्होंने वरीयता दी और तीनों जगह आप देखिए तो लोकल लीडर्स हावी रहे। और बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए कि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी 28 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस जो है 32 सीटों पर आगे चल रही है। एनके सिंह जी, 32 कांग्रेस हालांकि 36 पर आगे हो गई, लेकिन बीजेपी बीच बीच में हम देख रहे हैं कई जगह बढ़त भी बना रही है, तो बीजेपी के लिए वहां पर क्या कुछ कारगर साबित हुआ? क्या ये मोदी का चेहरा ही था या फिर जो आरएसएस का कैडर लगातार वहां पर जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो वहां का विकास परिषद है, जो काम करते रहते हैं वन विकास, इसमें तो कोई उनका कोई रोल रहता है? क्योंकि हमने देखा था शुरुआत में ऐसा लग रहा था बघेल जो है उनको कोई टक्कर ही नहीं है, शुरुआत 6 महीने पहले अगर हम बात करें तो टक्कर नहीं दिख रही थी। ये एक्चुअली आरएसएस का ये खास एक वो है, आप असम देखिए, असम या नॉर्थ ईस्ट देखिए, संघ ने जो 30 साल काम किया है उसमें सच पूछिए तो एक थाली में सजा के बीजेपी को वो वहां का वर्चस्व देते हैं, वहां के वोटर्स देते हैं। यहाँ पे भी यही हाल है, ट्राइबल एरिया में वहां के जिस शिद्दत से आरएसएस काम करता है उसके बाद जाहिर है कि बीजेपी को एक प्लेटर में ये वोट्स मिल जाते हैं। इसमें बीजेपी का रोल नहीं होता, इसमें मोदी जी का भी रोल नहीं होता, बल्कि संघ का रोल होता है जो इन ग्रामीण एरियाज में और खास करके ट्राइबल जंगल के एरिया में वो ट्राइबल्स को अपने साथ कर रहे हैं। कैलाश सोनी साहब, मध्य प्रदेश में जो इस वक्त टैली दिख रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि आप लोगों ने, पार्टी ने, संगठन ने वक्त रहते एंटी इनकम्बेंसी को भापा, अपने सिटिंग मिनिस्टर्स के एमएलएज के टिकट काटे, 29 एमएलएज के टिकट काटे जिनमें 3 सिटिंग मिनिस्टर भी थे? कैलाश सोनी साहब जी, देखिए देश काल परिस्थिति के अनुरूप यदि कोई दल समय पे ठीक निर्णय ले सकता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अग्रगण्य है, और विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी ने समाज के प्रत्येक दर्द के ऊपर, हमारे समाज के प्रत्येक उम्र के लिए
तो अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवराज जी चले गए हैं सर, नहीं तो अभी वो कह रहे हैं कि पार्टी ने वक्त रहते निर्णय लिया। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि इलेक्शन ऑफ कंफ्यूजन एक तरह से बीजेपी ने क्रिएट किया, जिसका फायदा समझ लीजिए उसे मिलेगा कि नहीं, एक प्रयोग है कि वहां पर ना तो नेता का नाम बताइए, ना ही कोई चेहरा आगे कीजिए, ना ही आप उसके प्रो में बोलिए, तो लास्ट तक एक अलग तरह की स्थिति जो है वहां पर बनी रही। तो उसका क्या कुछ फायदा या क्या कुछ नुकसान उस प्रयोग को, हम जब नतीजे आएंगे एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्टर रंजना भी इस वक्त मौजूद है। रंजना, राजस्थान रिवाज और कह रहे हैं कि जो राज है उसके ऊपर लेकर जो पूरी बहस है, अभी रुझान कह रहे हैं 50-50 का मुकाबला भी हो सकता है, आपके पास ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट आ रही है? बिल्कुल, और पिनाक सबसे दिलचस्प तो यही है, बिल्कुल सबसे दिलचस्प तो यही है विनाश की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि रुझानों में आपने बताया कि थोड़ा पीछे चल रहे, लेकिन दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि जिस सीट से वो चुनावी मैदान में हैं, सरदारपुरा की सीट उनकी मानी जाती है, पिछले 25 सालों से उनका सिक्का वहां से कोई नहीं हिला पाया। इनफैक्ट 2014 में जब मोदी लहर थी, जोधपुर की 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 9 भारतीय जनता पार्टी को हुई थी, लेकिन एक लौती सरदारपुरा सीट थी जो अशोक गहलोत किसी को नहीं देते हुए नजर आए उस वक्त भी। और एक बार फिर से वहां पर देखिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि राजपूत और जाट वहां पर अल्पसंख्यक है और ओबीसी वहां पर निर्णायक भूमिका में है। मैं आपको रोकना चाहूंगी रंजना, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय शर्मा जी ने अभी एक मैसेज भेजा है हमारे ग्रुप में, उसमें कहा है बीजेपी 51 कांग्रेस 51 और अदर्स के खाते में 17, यानी अदर्स मनोज जी जो हम कह रहे थे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और तमाम चीजें, अदर्स ये शायद वही निर्दलीय हैं जो बागी होकर इंडिविजुअल तौर पर उन्होंने चुनाव लड़े हैं, तो बहुत बड़ा की रोल निभाएंगे अगर ये नेक्स्ट। खासकर इस बार कहा जा रहा था कि जो बेनीवाल हैं वो अपने आप में किंग मेकर वहां पर बन सकते हैं, जयंत चौधरी की आरएलडी भी भरतपुर की जो बेल्ट है वहां पर चुनाव लड़ रही है, पिछली बार भी निर्दलीय। और मेरे ख्याल से बीएसपी भी ये जो स्टेट्स हैं इनमें एक फैक्टर है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि बीएसपी की परफॉर्मेंस राजस्थान में आमतौर पर ठीक ठाक होती है। जी बिल्कुल, तो ये अपने आप में किंग मेकर वाली भूमिका में नजर आ सकते हैं जिस तरीके के शुरुआती रुझान पिनाज आप बता रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर निर्दलीय की भूमिका, अगर यही नंबर निर्दलियों का आगे भी चलता है तो आगे भी अगर यही बढ़त बनी रहती है तो दिलचस्प होगा, कांटे के मुकाबले में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की तस्वीर देख लेते हैं एक बार, मध्य प्रदेश की तस्वीर कह रही है कि 79 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 65 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने तो जीत के पोस्टर जो है पहले ही कमलनाथ